यूपी के रामपुर के किला मैदान में चुनावी रैली के दौरान सांसद आजम खान काफी इमोशनल नजर आए। कई मामलों में एसआईटी जांच चल रही। आजम खान ने लोगों से पूछा, मुझे इतना बता दो कि आखिर मेरी खता क्या है, सिर्फ इतनी कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में मैंने कलम दी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी आवाज को कमजोर मत होने दो, मुझे थकने मत दो। उन्होंने कहा कि आखिर मैं कब्र का नहीं, जमीन पर जो करोगे उसका हिसाब होगा। यूपी के रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के कदावार नेता आजम खान चुनाव में वोट मांगते हुए लड़खड़ा गए और रुहासू होकर जनता से मदद मांगते हुए दिखे। जी हां, आजम खान ने मंच से जनता से कहा, मेरे अंजाम से सबक लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह का काम कर खौफ ना देख सके, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई मिसाल कायम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बकरी चोर पैदा ना हो, फिर कोई चोर डाकू पैदा ना हो, तुम्हारे बच्चों को तालीम और तुम्हारे बच्चों को हाथों में किताबें ना दे सके। रामपुर वालों, मेरी हिफाजत करो, मुझे संभालो। मैं बहनों बच्चों से कहता हूँ, मेरे कदम लड़खड़ाने मत दो, मेरे माथे पर लिखी बदनसीबी की तहरीर पढ़ने की कोशिश करो। वहीं आजम खान ने प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं जब सोचता हूँ तो शर्म आती है इस सरकार के चलाने वालों, अपने आप को शासन प्रशासन कहने वालों, एक बार सवाल करो अपने जमीर से, तुम कहाँ खड़े हो। मैं तो नहीं रहूंगा, पर तारीख वही रहेगी, इस मजमे की तस्वीरें भी वही रहेंगी। सैयद के उस बोल को सच्चा कर दे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम तो मर जाओगे लेकिन तुम्हारी औलादें तुम्हारी कब्रों पर मेरे अंजाम से सबक लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह के काम करने का मुझे संभालो। मैं बहनों से बच्चों से कहता हूं, मेरे कदम लड़खड़ाने मत दो, मुझे थकने मत दो, मेरी आवाज को कमजोर मत होने दो, मेरी शिकवे को देखो, मेरी आंखों में आंखें तो डालो, मेरी आंखों में लिखे हुए सवाल पढ़ने की कोशिश करो, मेरे माथे पर लिखी हुई प्रदर्शनी की तहरीर पकड़ने की कोशिश करो। शर्माती है, सोचता हूं तो शर्माती है ऐ सरकार के चलाने वालों, नज़्म के चलाने वालों, अपने आप को शासन और प्रशासन कहने वालों, एक बार सवाल करो अपने जमीन से, तुम कहां खड़े हो। मैं तो रहा न रहा लेकिन तारीख रहेगी, इस मजमे की तस्वीरें दे रहे, हो सकता है आज न सही 10 साल बाद 20 साल बाद 30, 50 और 100 साल बाद इस मजमे की तस्वीर छपेगी कि यही वो शख्स था जिसने तुम्हारे लिए ऐसी लकीर खींच दी कि उसके बाद ये कोई दूसरी लकीर खींची नहीं जा सकी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।